मुरादाबाद के थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सौदे ने पूर्व प्रधान शरीफ की ईंट से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। आज सुबह ठाकुरद्वारा क्षेत्र के पानूवाला में उस समय हड़कंप मच गया जब मौके से पूर्व प्रधान शरीफ की लाश बरामद हुई। हत्यारों ने शरीफ का मुंह ईंट पत्थरों से कुचल दिया था। बॉडी को देखते ही पता चल रहा था कि आरोपियों ने बड़ी ही निर्ममता से हत्या की। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से पड़ोस में रहने वाला मोनिस उसकी भतीजी को परेशान कर रहा था और आते जाते छेड़ता था। जब आरोपी सौदे का विरोध शरीफ ने किया तो आरोपी ने अपने लोगों के साथ मिलकर पूर्व प्रधान की हत्या कर दी। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करना शुरू कर दिया। सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। ये इनकी लड़की का विवाद है प्रधान जी, वो लड़का जो मोहसिन है, इनकी प्रधान जी लड़की छेड़ता, वो लड़का मोहसिन डॉक्टर गफ्फार का लड़का। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो आज सुबह गाली देख कर इन्हें, वो बैठे थे गाली देख कर निकला इन्हें, उसी में मारपीट हुई। तो पुलिस कंप्लेंट करी? हाँ, पुलिस कंप्लेंट हो। क्या हुआ फिर, उसने क्या करा इनके साथ जो लड़की, इनकी लड़की को छेड़ता था? हाँ, इनकी लड़की को। आज क्या हुआ फिर? आज इन्हें गाली देकर निकल लिया था वो रोड पे, तो इन्हें बोल चाल हुई दोनों में। फिर उसका तैयारा भैया आया एक, उसने उठाकर लठ मार दिया इनका, रपट पुट करी हॉस्पिटल में ठाकुर द्वारा इनका काम कर। हाँ, लड़की को आए दिन छेड़ता था, लड़की ने पढ़ना भी छोड़ दिया उसके चक्कर में, और लड़की को नल पर पानी भरने नहीं जानता था, मतलब दिक्कत करता था उसे। अब लड़का कहाँ है? वो तो घर है अपने। एफआईआर करा दी? हाँ, एफआईआर करा दी। इससे पहले भी शिकायत करी है क्या पुलिस से उस लड़की की? ना, पहले नहीं करी, पता नहीं चला ना पहले। फेसबुक पर भी फोटो वोटो भी डाल लिया उन्होंने उसके लड़के ने, इनकी लड़की। शमशाद जी, क्या हुआ इनके साथ? सर, जब ये झगड़ा हो रहा था तो इनका धर उड़े ठका फाकी हो रही थी, उसी में चोट लग गई इनके और ये खत्म हो गया। अच्छा, किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी इन लोगों में? ये भी बात का मुझे पता नहीं चल पाया अभी तक, क्योंकि मैं उस समय था नहीं। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इनकी लड़की को कोई छेड़ता था, ऐसा सुनने में आ रहा था पहले से भी, ऐसा सुनने में आ रहा था। अच्छा, आपके द्वारा इस पे एफआईआर करा दी गई है? हाँ, एफआईआर हो गई है इनकी। ठीक। में एक 53 वर्षीय व्यक्ति है जो कि आज सुबह इनका पड़ोसी से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, इसमें पड़ोसियों द्वारा ईंट पत्थर चलाए गए जिसमें इनको सर की चोट आई है और उस कारण उनकी मृत्यु होना संभावित है। पीएम करा दिया गया, अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। सर, कुछ मामला ये भी सुनने में आ रहा है कि इनकी लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे आरोपी, मोहसिन नाम का जो आरोपी था। अभी प्राइमरी स्टेज है, ये कहना मुश्किल है कि किस कारण हुआ पत्थरबाजी, बेचना चल रही है, जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कराया गया? 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ इन्होंने मुकदमा कराया है। किसी गिरफ्तारी करी सर? अभी प्रयास चल रहा है गिरफ्तारी का, जल्दी सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी।